नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टिशू प्रोसेसिंग की, जो ऑटोमेटिक मशीन होता है उसमें रिएजेंट को हम कैसे चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसको कंप्लीट आप देखें ताकि आपको समझ आ सके प्रैक्टिकली भी, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, उसको भी हम कवर अप करेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप टिशू प्रोसेसिंग का मशीन जो होता है उसमें आप रिएजेंट तो ऐड कर देंगे, 12,000 होते हैं। आपने पहले भी मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कंप्लीट बताया है ऑटोमेटिक टिशू प्रोसेसिंग में कौन कौन से जार में कितने रिएजेंट रखे जाते हैं, उनका स्टेप कौन कौन सा होता है, सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया था। लेकिन इसमें सीखेंगे हम, अगर रिएजेंट तो हमेशा आप एक ही यूज कर नहीं सकते, उनको चेंज भी करना है, तो चेंज करने का प्रोसेस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल, यहाँ पर रिएजेंट जो है आपने देखा होगा 1 से लेकर 12 जार होते हैं, और कुछ ऑटोमेटिक टिशू प्रोसेसिंग मशीन जो होता है वो आपके कंपनी पर डिपेंड करता है कि उसमें 2 बास्केट वाला है या फिर 1 बास्केट वाला है। कुछ मशीन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही बास्केट होता है, उसी में टिशू कैसे ट्रक करके प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, लेकिन कुछ जो मशीन होते हैं उसमें 2 जार होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हम रिएजेंट्स ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 जार अगर हैं तो उस तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे, इसी तरीके से आपको ये पूरा सेट करना है आपके ऑटोमेटिक टिशू प्रोसेसिंग के जार को। अब 1 से लेकर 12 तक जार हैं, इसमें आपको ये रिएजेंट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बना करके जो आपको बनाना है, जैसे 50%, 70%, 90%, ये तो आपको बना करके आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करके रिएजेंट रखना पड़ेगा। फॉर्मलिन 10% आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद एसीटोन तो आपको वही है, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल तो वही आपको रखना है, जाइलिन भी वही है, पैराफिन वैक्स भी वही है, आपको रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइमिंग की बात कर लें तो ये टाइमिंग है आपका टिशू प्रोसेसिंग का, ये आप देख सकते हैं, इसको अभी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम इनको चेंज कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम ऑटोमेटिक टिशू प्रोसेसिंग का, इस तरीके से 1 से लेकर के ये पूरा गोल में जो है 12 जार होते हैं, और 12 जार में कंप्लीट आपका टिशू प्रोसेसिंग होता है। तो अब यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक आप देख रहे होंगे अलग अलग जार का जो है रिएजेंट यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इनको जो है जब ये रिएजेंट ख़राब हो रहे हैं और टिशू प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं होगा, अगर ये रिएजेंट ख़राब हो रहे हैं आपने टाइमिंग में चेंज नहीं किया, तो आपका टिशू प्रोसेसिंग जब अच्छे से नहीं होगा तो आपका एम्बेडिंग भी और कटिंग भी अच्छे तरीके से नहीं आएगा, और स्टेनिंग भी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। और इसीलिए जो है आपको ये चेक करते रहना है बीच बीच में, और 10 से 15 दिन के अंदर इनको चेंज करना ही होता है। उसके अलावा भी हम इसमें बात करेंगे कि कब जो है पहले चेंज करना है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, इसमें टाइम क्या होता है, दिन कौन कौन से होते हैं, कितने दिन में करना चाहिए कौन कौन से रिएजेंट को, तो हम इसमें पूरा कंप्लीट आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहला हम बात कर लेते हैं फॉर्मलिन का, तो फॉर्मलिन की अगर हम बात करें तो फॉर्मलिन 2 जो है आपको रिप्लेस करना है फॉर्मलिन 1 से, तो 1 वाला जो है आपको 2 में शिफ्ट कर देना है, और उसके बाद 1 में आपको फ्रेश जो है यहाँ पर फ्रेश वाला फॉर्मलिन आपको रख देना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो 3 से लेकर 7 तक जो है आपका ये पूरा एल्कोहल का है, और 8वें नंबर पे एसीटोन है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 50% वाला एल्कोहल जो है इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो 50% वाला एल्कोहल आपको डिस्कार्ड कर देना है, उसके बाद ये 70% वाला एल्कोहल जो 4थे नंबर पर है इसको आपको शिफ्ट कर देना है 3 पे, ठीक है, 50% पे। तो ये 4 को आपको 3 में शिफ्ट कर देना है, उसी तरीके से ये 90% 5 वाला जो है इसको 5 वाले को 4 में शिफ्ट कर देना है, उसी तरीके से 6 वाला जो है इसको आपको 5 में शिफ्ट कर देना है, 7 वाला जो है आपको 6 में शिफ्ट कर देना है, और ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है आपका, ठीक है, तो ये वाला जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल 7थ नंबर का, यहाँ पर आपको फ्रेश वाला जो है ऐड करना है एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके अल्कोहल को कैसे आपको चेंज करना है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद एसीटोन जो होता है ये आपको 10 दिन के अंदर जो है 10 दिन के बाद आपको एसीटोन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ये इसको आप किसी से रिप्लेस नहीं करना है, आपको इसको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये जो अल्कोहल होते हैं इनको 10 दिन के अंदर आपको रिप्लेस करना है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है ये वाले, और ये भी 10 दिन के अंदर आपको एसीटोन को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम आगे आ जाते हैं जाइलिन में, तो जाइलिन को जो है आपको उसी तरीके से ये जाइलिन 9 और 10वें नंबर पे 2 जाइलिन के जार रखे हुए हैं, तो जाइलिन 1 को जो है आपको ये वाला जाइलिन है इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, और 10वें नंबर का जाइलिन 9वें पे ले जा करके रख देना है, और 10 खाली हो गया, अब इसको आपको फ्रेश जाइलिन यहाँ पर आपको ऐड करना है 10वें नंबर पे। तो ये हो गया आपका जाइलिन, ठीक है, 9 को डिस्कार्ड करना है और 10वें को 9 पे रखना है, 10 खाली हो गया, इसमें आपको फ्रेश जाइलिन ऐड करना है। उसी तरीके से 11 और 12 पे आपके पैराफिन वैक्स हैं, तो 11 नंबर का जो ये है ये आपको डिस्कार्ड करना है, और 12 को आपको 11 पे ले जाना है, 12 खाली हो गया, और इसमें आपको फ्रेश जो है पैराफिन वैक्स ऐड करना है,
ठीक है, अगर आप जार को इधर से उधर कर रहे हैं तो आपको लेबलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ का रिएजेंट उठा करके यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको रिएजेंट लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेबलिंग आपके ऑलरेडी इसमें रहते हैं, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। लेबलिंग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी को कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये हो गए पूरा कंप्लीट, 1 से लेकर 12 तक आपको किस तरीके से चेंज करना है। अब जो है जल्दी चेंज करने का नौबत कब आता है, जब आपके रिएजेंट्स जो हैं जनरली 10 से 15 दिन के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग के रिएजेंट जो है 10 से 15 दिन के अंदर जनरली चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर टर्बिडिटी आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा चेक करते रहना है सारे रिएजेंट्स को कि उसमें कोई टर्बिडिटी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फैटी टिश्यू जो हम इसमें प्रोसेस करते हैं तो उसके कारण भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है टर्बिडिटी आ जाता है, तो उस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ ओवरलोड प्रोसेस इसमें हो रहा है टिश्यू प्रोसेसिंग में, टिश्यू जो फैटी हैं ज़्यादा, तो उसके लिए आपको जो है जल्दी जो है चेंज करना पड़ेगा ताकि टिश्यू प्रोसेसिंग आपका अच्छे से हो सके। तो ये था नॉर्मल सी बातें इसमें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को जो है शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।